साथियों, आज हम बात करेंगे साइनाइड और आर्सेनिक की, जो कभी कभी भोजन के द्वारा हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं और हमारे शरीर को अत्यधिक नुकसान पहुंचाते हैं। साथियों, आपने एक श्रीदेवी की एक फिल्म देखी होगी, उसका नाम था मॉम। इस फिल्म में श्रीदेवी अपनी बेटी का रेप करने वाले अपराधियों से बदला ले रही है और उन अपराधियों में से एक को वो सेब के बीजों से मार डालती है। साथियों, सेब को दुनिया के सबसे सेहतमंद फलों में से एक माना जाता है, लेकिन सेब के बीज आपकी मौत का कारण बन सकते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि सेब के बीज में एमिग्डलिन नाम का एक तत्व पाया जाता है और जब यह तत्व इंसान के पाचन संबंधी एंजाइम के संपर्क में आता है तो साइनाइड रिलीज करने लगता है। एमिग्डलिन में साइनाइड और चीनी होता है और जब इसे हमारा शरीर निगल लेता है तो वो हाइड्रोजन साइनाइड में तब्दील हो जाता है। इस साइनाइड से न सिर्फ आप बीमार हो सकते हैं, यहाँ तक कि आपकी मौत का भी खतरा रहता है। तो साथियों, अगर आपके घर में सेब है, आपके घर में छोटे बच्चे हैं, तो आप जो है सेब के बीजों को इधर उधर निकाल करके मत फेंकिए। इसे अच्छी तरह से डिस्पोज ऑफ करिए, क्योंकि ये धोखे से आपके बच्चे खा भी सकते हैं। इसलिए सेब के बीजों से हमेशा सावधान रहें। साथियों, आप जानते हैं कि आर्सेनिक एक रसायन है और इस रसायन के विषय में हम चर्चा नहीं करेंगे, हम आपको कुछ थोड़ी सी बातें बताएंगे। तो ये आर्सेनिक रसायन मिट्टी में पाया जाता है। इस रसायन का थोड़ा बहुत असर मिट्टी में उगने वाली जो खाने की चीज़ें हैं उनमें आ जाता है। हालांकि इसका स्तर इतना कम होता है कि इससे सेहत को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचता। चूंकि चावल की फसल में पानी का अधिक इस्तेमाल होता है, जो धान की फसल है उसमें, इस कारण इससे जो चावल पैदा होता है उसमें इसकी मात्रा पहुंच जाती है। चावल का पौधा पानी में ज़्यादातर डूबा रहता है और इस कारण चावल की फसल मिट्टी में घुले आर्सेनिक रसायन को सोखता रहता है। साथियों, फसलें तो दूसरी भी होती हैं, लेकिन अन्य फसलों की तुलना में चावल में इस तरह ये आर्सेनिक ज़्यादा आता है। आर्सेनिक जहर को खत्म करने का सबसे कारगर तरीका है कि यदि आप चावल को पकाएं तो चावल को लंबे समय तक, यानी आपको सुबह बनाना है तो आप पहले दिन रात में इसको पानी में भिगो कर रख दें, ताकि ये कम से कम 12 घंटे पानी में भीगा रहे। इससे क्या होगा कि पानी में ये जो आर्सेनिक तत्व है ये आ जाएगा और सुबह आप इस पानी को फेंक दें, इससे जो इसका टॉक्सिन का लेवल है, जहर का लेवल है, वो कहते हैं कि 80% तक कम हो जाता है। साथियों, इसके अलावा आप चावल को ज़्यादा पानी में उबालें। आप देखते होंगे हलवाई यही करते हैं, चावल को अधिक पानी में उबालते हैं और उबालने के बाद में इस पानी को निकाल दें, और निकालने के बाद में जो सूखा चावल है उसको बंद करके रखते हैं तो ये और फूल जाएगा और आपको खाने में अच्छा लगेगा। आप इसमें थोड़ा सा घी भी डाल सकते हैं और बंद करके रख दें। इससे चावल में जो आर्सेनिक की मात्रा है बहुत अधिक खत्म हो जाएगी और चावल से आपको नुकसान कम होगा। साथियों, अभी हाल के दिनों में आपने फ्लेक्सी सीड्स यानी अलसी के बीज, इसकी मांग में काफ़ी तेजी देखी होगी। अब ऐसे लोगों की तादाद बढ़ गई है जो ओमेगा 3 फैटी एसिड और फाइबर के गुणों से भरपूर अलसी को अपनी डाइट में शामिल कर रहे हैं। यह उन लोगों में तो और भी ज़्यादा पॉपुलर है जो अपना वजन घटाना चाहते हैं। महिलाओं के लिए तो यह और भी ज़्यादा गुणकारी है। वैसे तो इसमें कोई शक नहीं कि अलसी के
भी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन बहुत ज़्यादा हो हल्ला की वजह से इसके साइड इफेक्ट्स को पूरी तरह से आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। रिजल्ट ये होता है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा अलसी खा रहे हैं, जिससे हेल्थ को फायदा मिलने के बजाय नुकसान पहुंच रहा है। साथियों, अधपकी या कच्चे अलसी जो है उसके बीज खाने पर अचानक आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। साथियों, अलसी में भी साइनाइड होता है, जिसका अधिक मात्रा में सेवन जहर का काम कर सकता है। यदि आप अधिक मात्रा में अलसी का सेवन कर लें तो इसकी वजह से दुष्प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे मतली, दस्त और गैस। यदि आपको अलसी से एलर्जी है तो होठों पर सूजन, छाती आपकी जो है चेस्ट जो है उसमें टाइट महसूस होने, या आपको सांस से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। अलसी को भून लें ताकि इनका साइनाइड का जो यौगिक है वो नष्ट हो जाए। ताजी भुनी हुई अलसी खाएं। आप अलसी के भुने हुए बीजों को पीसकर एयर टाइट कंटेनर में भरकर रख लें और एक गिलास पानी के साथ रोज सुबह एक चम्मच अलसी खाएं। इससे अधिक न खाएं, वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। साथियों, आज हमने आपसे बात की सेब के बीज और अधिक पानी में उत्पन्न की गई धान से निकले हुए चावल तथा अलसी के बीज के विषय में। साथियों, इन तीनों बातों पर आप ध्यान रखें, आप स्वस्थ रहेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।